डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेवन्थ क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सम द्विबाहु त्रिभुज बनाओ। सम द्विबाहु समान दो भुजाओं वाली त्रिभुज, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो ये जो आकृति आप त्रिभुज की देख रहे हैं, इसमें आप पाएंगे कि ये जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है, ये दोनों भुजाएं समान हैं और तीसरी भुजा या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, ठीक है। तो ऐसी त्रिभुज को सम द्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इन्होंने कहा है कि एक ऐसी त्रिभुज बनाओ, शर्तें उसकी ये हैं कि जिसका आधार कोण ए के समान, कि ये जो ये रेखा होती है जिस रेखा के ऊपर त्रिभुज बनी होती है या खड़ी होती है, उस रेखा को, नीचे वाली रेखा को आधार रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इस रेखा पर जो कोण बनता है, ये जो एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तो ये जो इसके ऊपर जो कोण बनता है वह आधार कोण कहलाता है, ठीक है। तो ये जो आधार कोण है, मतलब ये त्रिभुज कितनी झुकी होनी चाहिए, वो है आपका दिया हुआ कोण ए, इसी के बराबर यहाँ पर कोण बनना चाहिए। दूसरी इनकी शर्त ये है कि ये जो त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर सी बिंदु तक, ये जो ऊंचाई है इसकी, ये कितनी होनी चाहिए, दी हुई रेखा एच के बराबर, ठीक है। तो आइए इसको हम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में हमारे पास, यहाँ आपके पास एक दिया है कोण, आधार कोण, इसको आप अपनी मर्जी से बना लेंगे इस तरह, और एक चाप लगा देंगे, ठीक है। ये काम आपका बिल्कुल बारीक होना चाहिए, तभी आपका ज्योमेट्री का काम सुंदर लगता है। इसको ए नाम दे दिया और साथ में एक और चीज़ दी हुई है, ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई ये है एच के समान, ये एच रेखा दे दी, ठीक है। आइए इसको हम अब आगे करते हैं। सबसे पहले आप एक रेखा लेंगे ए बी, ये रेखा आप हल्की लें क्योंकि इसको अभी बड़ा या छोटा करना पड़ सकता है। यहाँ हम बिंदु ले लेंगे ए, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद, ये जो आपका ए कोण है दिया हुआ, इसकी ये लंबाई नीचे वाली जो इसकी ये है, इतनी प्रकार खोलें और बिंदु ए पर रखकर चाप लगाएं, ठीक है। तो ये लंबाई तो हमने लगा दी, अब इसकी चौड़ाई, ये जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको भी नापें प्रकार से, इतना आ रहा है, और उठाकर यहाँ लगा दें और चाप काट दें, ठीक है। जहाँ चाप कटी वहाँ से आप एक हल्की रेखा ऊपर की तरफ ले जाएंगे बिंदु ए को मिलाते हुए, ये होगी, और यहाँ नाम दें ए, ठीक है। अभी ये रेखा हल्की लगाएंगे, अब हमने ऊपर वाला पॉइंट ज्ञात करना है, इसका पता करना है उसका। तो हम ऊंचाई एच के बराबर प्रकार खोलेंगे, ये हो गई, और बिंदु ए पर रखेंगे और ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे। तो यहाँ मेरी चाप से दिया हुआ आधार कोण कट गया है, आप आधार कोण को थोड़ा साइड में भी बना सकते हैं, उतने ही प्रकार खुली रखेंगे और बी बिंदु यहाँ पर रखेंगे और ऊपर इसी तरह चाप लगाएंगे। डॉटेड काम आपका बिल्कुल बारीक होना चाहिए, ठीक है। ये लगा दिया, इनके नाम हैं के और डी, ये है के और यहाँ लिख देते हैं डी। के और डी चापों के सिरे आपस में हमने मिलाने हैं, और मिलाने कैसे हैं, बिंदुदार, ये देखें दोनों चापों के सिरे हमने आपस में मिला ली, और ये हमारे पास एक
ए बी रेखा के समानांतर यहाँ पर बिंदुधार रेखा बन गई, और इसने क्या किया, ये जो हमारी आधार कोण वाली रेखा थी इसको एक पॉइंट पर काट दिया, तो यही हमारा सी बिंदु है, शीर्ष बिंदु। अब ये जो ये भुजा है ये तो हमें प्राप्त हो गई ए और सी, और दूसरी भुजा जो इधर आएगी वो भी ए सी के ही बराबर होनी चाहिए, तभी ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी। तो अब क्या करेंगे, हम बिंदु सी पर प्रकार रखेंगे, सी पर प्रकार रखेंगे और ए तक खोलेंगे, ये खोल लिया, और यहाँ से होते हुए एक चाप लगाएंगे बिंदुदार, ठीक है, और ये चाप आपकी दूसरे सिरे की तरफ पहुंच जाएगी। तो मैंने तभी बोला था कि ए बी रेखा अभी हम डार्क नहीं लगाएंगे, अब ये छोटी रह गई, इसको आप बड़ी कर सकते हैं थोड़ी सी कि ये चाप तक पहुंच जाए। ये पहुंच गई, अब आप इसको बी नाम दे सकते हैं, बी को सी से मिलाया डार्क रेखा में, ये हो गया, और अब इसको भी डार्क कर लेंगे, ये हो गया, और यहाँ ये जो सी से आगे बढ़ी हुई रेखा है इसको आप इरेज कर सकते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं ये आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है समद्विबाहु त्रिभुज के साथ। थैंक यू।